हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विनय गांधी आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं हूं एक हॉस्टल में और ये जो हॉस्टल है मोशन और रिलायबल के पास में है ये हॉस्टल। और आज हम लेने वाले हैं एक इंटरव्यू, और इंटरव्यू रहेगा एक सब्सक्राइबर का जो कि रिलायबल में पढ़ते हैं। क्योंकि मेरे पास काफ़ी समय से जो है डिमांड आ रही थी कि रिलायबल के इस स्टूडेंट का आप इंटरव्यू लें और फीडबैक लें, तो आज मैं इसी सिलसिले में आया हूँ। तो आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। आइए चलिए, तो ये चलते हैं। ये हैं आदर्श और इनके रूम में आ गए हैं हम इनका इंटरव्यू लेने। ये शायद पढ़ रहे हैं, हाँ पढ़ रहे हैं। पहले मैं आपको इनका रूम दिखा देता हूँ और उसके बाद हम इनसे बात करेंगे, ठीक है। ये है इनका रूम। ये इनका बाथरूम है। ये आप देख सकते हैं रिलायबल के स्टूडेंट हैं ये रिलायबल, और ये आपको बुक्स भी मिल जाएंगी, नोटबुक्स भी मिल जाएंगी। हेलो आदर्श, कैसे हो? ठीक। डिस्टर्ब हो गए आप थोड़ा सा? नहीं। तो आज हम आपका इंटरव्यू करने वाले हैं और आपका फीडबैक लेने वाले हैं कि रिलायबल में कैसी पढ़ाई होती है। तो कर सकते हैं, स्टार्ट करें इंटरव्यू? बिल्कुल, चलिए। ओके, तो अभी मैं हूँ आदर्श के साथ। आदर्श पटेल है इनका नाम, और बाकी की जानकारी इनसे खुद से लेते हैं। तो अपना नाम बताएं और कहां से हैं आप, ये बताएं। मेरा नाम आदर्श पटेल है और मैं जबलपुर एमपी का रहने वाला हूं। तो जबलपुर से हैं ये, तो आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? मैं यहां जेई एडवांस की तैयारी करने के लिए आया हूं। अच्छा, कौन से इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं आप तैयारी? रिलायबल इंस्टीट्यूट। रिलायबल से कर रहे हैं ये तैयारी, ठीक है। तो अब हमको रिलायबल के बारे में भी जानकारी लेने को मिलेगी, क्योंकि आप लोगों की काफ़ी सारी डिमांड थी कि रिलायबल में कैसी पढ़ाई होती है, तो उसका एक बार फीडबैक लें, है ना। तो इसीलिए मैं आदर्श के पास आया हूँ। तो आइए और जानते हैं। तो आप मेरे को बताएं कि जैसे आप जेई की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो किससे आपको प्रेरणा मिली, मतलब किसने बताया कि आपको जेई की तैयारी करनी चाहिए, या किससे आपको प्रेरणा मिली? पिछले ईयर मेरे भैया पढ़ते थे यहाँ पे कोटा में, और उनका मतलब जेई क्लियर हुआ तो उनने सजेस्ट किया कि तुम भी कर लो, तो यहाँ पर तैयारी करने के लिए आया। अच्छा, उन्होंने आपको मोटिवेट किया कि जेई की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है जी। तो अब रिलायबल के बारे में कुछ बताएंगे, रिलायबल में किस तरह से स्टडी होती है, कैसे फैकल्टीज हैं, क्या एनवायरनमेंट है, उस बारे में बताएंगे कुछ। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं हमारे आप ही की तरह जो रिलायबल के बारे में जानना चाहते हैं, तो उस बारे में बताएं कुछ। मैं कहूँगा कि अभी इस समय पे अगर देखा जाए तो सबसे अच्छी फैकल्टी रिलायबल इंस्टीट्यूट में ही है, और जो भी नए बच्चे आ रहे हैं वो उनको रिलायबल में ही एडमिशन लेना चाहिए। तो क्या खास है ऐसा रिलायबल की फैकल्टी में, ये भी तो बताएं। रिलायबल की जो फैकल्टी है वो जो मतलब रेजोनेंस की फैकल्टी थी पुरानी एक्सपीरियंस उसी से आई हुई है, क्योंकि वो 2 साल पहले जो मतलब रिलायबल की स्थापना हुई थी उसमें रेजोनेंस के टीचर्स ने मिल के नया इंस्टीट्यूट खोला था, रिलायबल इंस्टीट्यूट। तो वो एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, उनको 20 साल तक का एक्सपीरियंस है किसी टीचर्स को, मोस्ट ऑफ द टीचर्स एक्सपीरियंस हैं, और मतलब सबसे अच्छे टीचर मेरे हिसाब से तो रिलायबल नहीं है अभी इस समय देखा जाए। अच्छा, मटेरियल के बारे में बताओ, जो रिलायबल में मटेरियल मिलता है वो कितना हेल्पफुल है आपको जेई की तैयारी के लिए? वो जो रिलायबल का मटेरियल है वो भी मतलब जैसे टीचर्स हैं एक्सपीरियंस, तो उनको मतलब वो ही रिवाइज कर करके और इतना अच्छा बना दिया है कि मतलब उसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो मतलब सफिशेंट है जेई के लिए। अच्छा, तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, अगर मान लो कोई बच्चा रिलायबल में पढ़ रहा है तो रिलायबल का मटेरियल सफिशिएंट है या उसके अलावा भी उसको कोई बुक्स प्रेफर करनी चाहिए? नहीं, अगर वो रिलायबल का मटेरियल पूरा अच्छे से करता है तो रिलायबल का मटेरियल सफिशिएंट है। अच्छा, और इसमें ऑनलाइन लेक्चर्स भी मिलते हैं क्या आपको? हाँ, ऑनलाइन लेक्चर्स उनकी साइट पे और ऐप पे अपलोडेड रहते हैं, अगर किसी की क्लास मिस हो गई तो वो कर सकता है। अगर क्लास मिस हो जाए तो आप जो है उनको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। आई थिंक इस समय ये सारे इंस्टीट्यूट में ही है ये व्यवस्था कि अगर आप बाई चांस आपकी क्लास मिस हो जाए तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है लॉकडाउन की देन है ये, कि ऑनलाइन के सारे के सारे लेक्चर्स मिल जाते हैं। पहले ये व्यवस्था किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं थी, पर अभी ऑलमोस्ट सभी इंस्टीट्यूट में ऐसी व्यवस्था है, ठीक है। और कुछ जानते हैं इनके बारे में कि इनकी फैमिली में कौन कौन है, बताएं। मेरी फैमिली, मेरे पापा फार्मर हैं और मतलब मेरे अंकल हैं वो इंजीनियर ही हैं, तो उन्हीं से प्रेरणा लेके मैं यहाँ पे आया हूँ।
अच्छा तो क्या एम है आपका कि मतलब कौन सी आईआईटी या एनआईटी में जाना है, कुछ एम है आपका कि क्या रैंक लानी है और किस आईआईटी में जाना है, उस बारे में बताएं। मेरा एम यही है कि अंडर 2000 रैंक लाऊं डेली एडवांस में और जो भी टॉप आईआईटी मिले उसमें टॉप ब्रांच लूँ। अच्छा चलिए, मतलब कोई पर्टिकुलरली आईआईटी बताना चाहेंगे जिसमें आप जाने की इच्छा हो आपका, कि मतलब आपका ड्रीम आईआईटी कोई हो? आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर में जाना है। चलिए, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपको खड़गपुर मिले। और उसके बाद हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे आप कोटा में कब आए और रिलायबल में आपने एडमिशन कब लिया और कोटा में कब आए, उस बारे में बताएं कुछ। रिलायबल में मैंने एडमिशन तो जुलाई में ले लिया था, लेकिन मतलब जुलाई मैं यहीं ऑनलाइन क्लास करने भी यहीं पे आ गया था जुलाई में ही, और फिर ऑफलाइन क्लास सेप्टेम्बर में शुरू हुई थी, तो जब से मैं ऑफलाइन अटेंड कर रहा हूँ जुलाई में। तो जैसा कि ऑफलाइन क्लासेस पिछले साल सितंबर में ही शुरू हुई थी, पर ये जुलाई में ही आ गए थे और कोटा में रह के ही ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे, और एडमिशन शायद आपने जून में लिया था। हाँ, जून में एडमिशन लिया था, कोटा आ गए थे जुलाई में, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे, उसके बाद सितंबर में इनकी क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। तो जैसे आप कोटा में आए, तो कोटा में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको, या मतलब जैसे पहली बार आप घर से बाहर निकले होंगे तो कुछ दिक्कतें आई आपको कोटा में, किस तरह की परेशानी आई आपको? हाँ, शुरू शुरू में तो कुछ दिक्कतें आती हैं, यहाँ पे एडजस्ट करने में टाइम लगता है, लेकिन एक दो महीने में सब एडजस्ट हो जाता है, तो उसके बाद दिक्कत नहीं होती। किस तरह की दिक्कतें आई कुछ बताएंगे? शुरू शुरू में खाना पसंद नहीं आता और मतलब तीखा लगता है यहाँ का खाना, घर के हिसाब से थोड़ा तीखा लगता है, उसके हिसाब से मतलब वो दिक्कत है, कुछ कुछ दिक्कत है। अच्छा, तो अभी कैसा आपको खाना मिल रहा है, जैसे हॉस्टल में आप रह रहे हैं यहाँ कैसा खाना मिल रहा है, और मैनेजमेंट स्टाफ कैसा है यहाँ का, उनका बिहेवियर कैसा है, और यहाँ उस हॉस्टल में आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं उस बारे में बताओ कुछ। ये हॉस्टल सही है, मतलब मैनेजमेंट पूरा अच्छा है यहाँ पे, और खाने की व्यवस्था भी बहुत सही है। शुरू शुरू में आती है मतलब कुछ कुछ दिक्कतें आती है, लेकिन फिर बाद में जब एडजस्ट हो जाता है, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपन अगर आए हैं तो अपन को करना ही पड़ेगा। सही बात है, जो आप ड्रीम लेके आए हैं उसको चेस करने के लिए आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना भी पड़े तो वो करना पड़ता है। ठीक है, अगर आपका एम आईआईटी है उसको लेने के लिए अगर आप कोटा आए हैं, तो आप पढ़ाई पे ध्यान रखें, ये सब चीज़ें तो अपने समय के साथ जो है दूर हो जाती हैं। तो आप हमें ये भी बताएं कि जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, लगभग एक साल होने को आया है आपका, और अभी जेई मेन और जेई एडवांस नज़दीक ही है, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी प्लान है आपका? मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ और कोचिंग सेल्फ स्टडी करने के लिए 7 बजे चला जाता हूँ, फिर खाना खाने आता हूँ 12 बजे, और खाना खा के फिर से सेल्फ स्टडी करने के लिए चला जाता हूँ, फिर शाम को आता हूँ 5 बजे, उसके बाद चाय का टाइम हो जाता है स्नैक्स का, तो वो लेके फिर से सेल्फ स्टडी करता हूँ, और फिर रात को 12 बजे तक सो जाता हूँ। मतलब काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं ये अपने एम को अचीव करने के लिए। ठीक है, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको कि जो भी इनका ड्रीम है वो अच्छे से अचीव करें ये। अच्छा, हम ये भी जानना चाहेंगे कि रिलायबल के अलावा भी कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या कोई टेस्ट सीरीज की हेल्प ले रहे हैं क्या आप अपने एम को अचीव करने के लिए? नहीं, मैं तो नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे को रिलायबल का ही सब कुछ सफिशियंट लगता है, कि मतलब रिलायबल ने इतनी फैसिलिटीज़ दे रखी हैं कि उनका सब कुछ सफिशियंट है, मतलब आपको किसी और चीज़ की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, वहीं का ही सब कुछ जो है सफिशेंट है। तो चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं इनसे कि कोटा आने वाले जो भी बच्चे हैं, जो भी कोटा आने की इच्छा रख रहे हैं या जो भी प्लान कर रहे हैं कोटा, उनको आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सेल्फ स्टडी कर सको, और मतलब फ़ोन में टाइम वेस्ट नहीं करना है, फ़ोन में सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, और सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। यहाँ पे अगर क्लास भी अटेंड करते हैं और सेल्फ स्टडी नहीं करते तो वो किसी काम की नहीं, सेल्फ स्टडी सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सही बात बोली, सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे आप 5 की जगह 10 घंटे की भी क्लास कर लेंगे और सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो उसका रिजल्ट शायद आपको उतना आपको डिजायर रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। ऐसे सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने। हमारी तरफ से इनको ऑल द बेस्ट, जो भी ये रैंक चाह रहे हैं या जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं उनको ये अपना पूरा का पूरा जो है रिजल्ट मिले, अपनी पूरी मेहनत जो ये कर रहे हैं उसका रिजल्ट मिले, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
आप भी एक बार बोलो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सबको। भैया बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग की हेल्प करने के लिए, और ऐसी वीडियोस मतलब हर कोई नहीं बना सकता कि सारी कोचिंग के बच्चों से एक्सपीरियंस ले लेके, और मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं ये, और इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए, थैंक यू वेरी मच।